हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेग ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से वापस आए हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का दूसरा भाग पढ़ने के लिए। ये जो पोयम है सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। तो पार्ट वन में हमने देखा कि एंशिएंट मैरिनर जो है वो अपनी कहानी एक वेडिंग गेस्ट को सुनाता है। वेडिंग गेस्ट जो कि शादी में जाने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन क्या करे, एंशिएंट मैरिनर के द्वारा हिप्नोटाइज होने के बाद वो चुपचाप एक बच्चा के समान बैठ करके कहानी सुनता है। एंशिएंट मैरिनर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक जहाज था और जहाज लंबी यात्रा के लिए निकलता है, परंतु धीरे धीरे आंधी तूफान में वो बदल जाता है। वो आंधी तूफान उसे साउथ के तरफ ले जाता है और अंततः वे लोग जाकर के एक आइसबर्ग में फंस जाते हैं। वहां उन लोगों की मुलाकात अल्बेट्रोस से होता है जो उन लोगों के साथ सदैव रहता है। अल्बेट्रोस के आने से बर्फ टूटना शुरू किया और जहाज आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन एंशिएंट मैरिनर के दिमाग में ना जाने क्या बात आई कि उसने अपने क्रॉसबॉ उठा करके अल्बेट्रोस को मार दिया। उसके बाद से उन लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है। आज हम पार्ट टू देखने जा रहे हैं। तो पार्ट टू में हम देखेंगे कैसे वे अपनी परेशानियों से आगे बढ़ते हैं, क्या उन्हें परेशानी से निजात मिल जाएगा या और उसमें वो फंसते जाएंगे। तो शुरू हो जाते हैं इस पार्ट टू के साथ। द सन नाउ रोज अपॉन द राइट, आउट ऑफ द सी केम ही, स्टिल हिड इन मिस्ट एंड ऑन द लेफ्ट वेंट डाउन इन टू द सी। तो जैसे पहले पार्ट में देखा जाए कि सन नाउ रोज अपॉन द लेफ्ट, उसमें लेफ्ट लिखा हुआ था तो इससे हमको डायरेक्शन पता चला था कि वे लोग साउथ के तरफ जा रहे थे, परंतु अब हम इस दूसरे पार्ट में देख रहे हैं द सन रोज अपॉन द लेफ्ट, यानी कि अब वे रिटर्न हो रहे हैं, नॉर्थ के तरफ वापस आ रहे हैं। आउट ऑफ द सी केम ही, स्टिल हिड इन मिस्ट, परंतु मौसम में सुधार नहीं हुआ। सूरज तो जरूर निकला लेकिन मौसम में सुधार नहीं होता है। अभी भी वे लोग कोहरे से घिरे हुए थे और सुबह को तो सूरज निकला था और शाम होते देरी नहीं लगा और तुरंत सूरज पश्चिम की तरफ डूब गया। एंड द गुड साउथ विंड स्टिल ब्लू बिहाइंड, साउथ विंड तो बह रहा था बट नो स्वीट बर्ड डिड फॉलो, परंतु अब कोई अल्बेट्रोस उन लोग के साथ नहीं था। नोर एनी डे फॉर फूड और प्ले केम टू मैरिनर्स होलो, तो मैरिनर्स वे लोग पुकारते थे, होलो मीन्स पुकारना। मैरिनर्स को जैसे आदत लगा हुआ था अल्बेट्रोस को बुलाना और खिलाना, वे लोग बुलाते थे खिलाने के लिए खेलने के लिए, परंतु अब कोई अल्बेट्रोस आने वाला नहीं था। एंड आई हैड डन अ हेलियस थिंग एंड इट वुड वर्क देम वो, एंशिएंट मैरिनर्स बोलता है कि मेरे द्वारा बहुत ही गलत काम हो चुका था और इसका परिणाम सबों के ऊपर होने जा रहा है, इसका श्राप सबों पर लगेगा। For all a word, I had killed the bird that made the breeze to blow. The for all refers to the mariners. तो उसके जितने साथी लोग थे वे लोग सब कन्फर्म होकर के एक साथ बोलते हैं कि मैंने उस अल्बेट्रोस को मारा था जिसने हवा को बहाया था। Ah, wretch, said they, the bird to slay. ये कितनी बुरी बात है, it was hopeless to kill such bird, जिसके चलते हवा बहा था, that made the breeze to blow, nor dim nor red like God's own head, the glorious sun uprist. तभी मौसम में परिवर्तन होता है, अब सूरज सच में निकलना शुरू कर गया और उसका जो प्रकाश था like God's own head, सिमिली का प्रयोग करते हुए बोल रहा है like God's own head, the glorious sun uprist, अब जो सूरज का जो असली रूप था वो धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाता है। Then all a word, I had killed the bird that brought the fog and mist. It was right, said they, such bird to slay that bring the fog and mist. तो अब जो मैरिनर्स का विचार था उस एंशिएंट मैरिनर के प्रति वो बदलना शुरू हो गया, क्योंकि मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो गया, सूरज निकला धूप निकला, और इस पर मैरिनर्स लोगों ने कहा For all a word, I had killed the bird that brought fog and the mist. तो उन लोगों के अनुसार जितना भी फॉग और मिस्ट आया था ये सिर्फ और सिर्फ अल्बेट्रोस के कारण था। ये अच्छा हुआ, इट वॉज राइट,
सेड दे सच बर्ड टू स्ले, वैसे चिड़िया को मार ही देना चाहिए था जिसके चलते ये मौसम खराब हुआ था, फॉग और मिस्ट आया था। तो इस दो स्टांजास में, पहले छह लाइन में और इस छह लाइन में, हम देखते हैं कि कैसे मैरिनर्स लोगों का विचार बदल जाता है। दे आर ऑफ फिकल माइंडेड, ये उन लोग का पहला कैरेक्टर है। दूसरा, दे आर सुपरस्टिशियस, ये उन लोग का दूसरा कैरेक्टर, क्योंकि उन लोगों के अनुसार बर्ड के आने से फॉग आता है और बर्ड के जाने से मौसम सुधर जाता है, तो ये उन लोग का सुपरस्टिशन है। और तीसरा, दे आर कैरीड बाय द इमोशन, उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे किस साइड रहेंगे, जैसा उन लोगों का भावना होगा उसके अनुसार वे लोग बह जाते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फॉरो फॉलोड फ्री, एंड वी वेर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी। अब हवा, अच्छा हवा चलना, फेयर ब्रीज ब्लू एंड वाइट फॉर्म फ्लू, तो जितने भी फॉर्म यानी कि बर्फ वगैरह सब थे वह सब हटना शुरू हो गया। द फॉरो फॉलोड फ्री, यानी कि फॉरो का मतलब होता है पीछे का निशान, जैसे जहाज आगे जाता है पीछे पानी का कतार बनते जा रहा है, रास्ता बनते जा रहा है आगे भी और पीछे भी। वी वेर द फर्स्ट दैट एवर बर्स्ट इन टू द साइलेंट सी, और ये लोग पहले ऐसे व्यक्ति थे जो साइलेंट सी, यानी कि वहां पर किसी प्रकार का मोशन नहीं था, कोई हलचल नहीं था, कोई आवाज नहीं था। दिस पीपल वेर द फर्स्ट टू रीच इन टू दैट डीप सी। Down dropped the breeze, the sail dropped down. It was sad as sad could be. तो जैसे कि ऊपरी स्टांजा में कही गई है कि वहां सब शांत था, तो शांत होने के वजह से वहां ब्रीज यानी कि हवा भी नहीं चल रहा था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उन लोग का जो सेल था उसे भी गिराना पड़ गया, क्योंकि सेल उसी वक्त मदद आएगा जब हवा चलता है। It was sad as sad could be, and we did speak only to break the silence of the sea. अब जो वहां का माहौल था वो गमगीन हो चुका था, क्योंकि सब के सब शांत हो चुके थे। ये मैरिनर्स ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सिर्फ हवा चले, किसी भी तरह से आवाज उन्हें सुनाई दे, परंतु वैसा हो नहीं रहा है। ऑल इन हॉट एंड कॉपर स्काई, द ब्लडी सन एट नून राइट अबव द मास्ट डिड स्टैंड नो बिगर देन द मून। All in a hot and copper sky. तो अब जो सूर्य का रूप जो था पूरी तरह से विकराल हो चुका था, वो बहुत गर्म, इतना गर्म हो चुका था कि उसका कंपैरिजन जो कॉपर से किया जा रहा है, तो ये मेटाफर का प्रयोग किया जा रहा है कि जो आसमान था वो पूरी तरह से कॉपर रंग का दिखाई दे रहा था। द ब्लडी सन, और सूरज जो एकदम लाल हो चुका था, दोपहर का समय था और उन लोगों के ठीक माथे के ऊपर आकर खड़ा हो जाता। No bigger than the moon, ये बहुत common understanding है कि सूरज और चंद्रमा का साइज एक है, क्योंकि यही हम लोग को दिखाई देता है। कहता है No bigger than the moon. Day after day, we stuck, nor breathe, nor motion, as idle as a painted ship upon the painted ocean. दिन प्रतिदिन यहाँ रिपीटिशन का प्रयोग कर रहा है ताकि राइमिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाए और पढ़ने में बहुत सुंदर लगे। डे आफ्टर डे वी स्टक, तो कई दिनों तक वे मैरिनर्स उसी मोशनलेस सी में फंस गए हैं। दे कुड नॉट ब्रीथ, कुड नॉट मूव, दे वर लाइक द आइडल पेंटेड शिप, यानी कि जिस तरह से क्लासरूम में एक पिक्चर टंगा हुआ रहता है, अगर उसे कोई ना हटाए तो सदैव वहीं बना रहता है। इन द सेम मैनर, तो ये हम इमेजरी का प्रयोग कर रहा है, लेखक इमेज का प्रयोग कर रहा है कि जिस तरह से क्लासरूम में एक पिक्चर रखा जाए जिसमें समुद्र हो और एक जहाज हो, तो अगर साल भर छोड़ दिया जाए तो वो पिक्चर वहां से कहीं मूव नहीं करेगा। इन द सेम मैनर, ये जो मैरिनर्स की स्थिति थी उस पिक्चर के समान हो गई थी जो कभी मूव नहीं कर रहा था। डे आफ्टर डे वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो चारों तरफ तो पानी दिखाई दे रहा था, वाटर वाटर एवरी डे, तो कितना सुंदर से लाइन लिखा गया है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल बोर्ड डिड श्रिंक। तो मौसम इतना गर्म था, इतना हॉट था, सो द वुडन पार्ट ऑफ द शिप स्टार्टेड गेटिंग श्रिंक, सिकुड़ना शुरू हो गया क्योंकि इतनी गर्मी थी। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये इन लोग का कितना विडंबना है, कितना विरोधाभास है कि वे लोग पानी से घिरे हुए हैं परंतु पीने के लिए पानी अब न रहा, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है।
The very deep did rot, oh Christ, that ever this should be. ये बहुत ही अनहोनी हो रही थी कि समुद्र का पानी, डीप मतलब समुद्र, समुद्र का पानी जो था अब सड़ना शुरू हो गया. ओ गॉड, ओ क्राइस्ट मीन्स ओ गॉड, कैन दिस बी पॉसिबल? इज इट पॉसिबल दैट द वाटर ऑफ द सीज गेट रॉटन? इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट वॉज हैपनिंग. ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था. या स्लीमी थिंग्स डिड क्रॉल विथ लेग्स अपॉन द स्लीमी सी. और इसका खामियाजा जो था सिर्फ मैरिनर्स को ही नहीं बल्कि एक्वेटिक एनिमल्स को भी भोगना पड़ रहा था. ये जो मछली हो या किसी प्रकार का जल प्राणी हो, वे सब इससे परेशान हो चुके थे क्योंकि मौसम बहुत गर्म था, पानी गर्म हो चुका था. वे अपने आप को बचाने के लिए दे स्टार्टेड क्रॉलिंग अपॉन द सी, ऑन द सरफेस ऑफ द सी, सो दैट दे मे गेट सम रिलीफ, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल इवन फॉर देम. दे ऑल्सो सफर्ड अ लॉट. अबाउट इन रील एंड राउट द डेथ फायर्स डांस्ड एट नाइट. तो अबाउट इन रील एंड राउट, यहां मेटाफर का प्रयोग किया जा रहा है कि उन लोग के माथे पर मौत मंडरा रहा था. रील एंड राउट इज अ टाइप ऑफ डांस दैट इज डन इन द सर्कल, ऑफ कोर्स इन अ ग्रुप, बट दैट गोस इन द सर्कल. जैसे कि हम लोग का हिंदी में कहावत है कि उसके माथे पर मौत मंडरा रहा है. तो दे कुड फील द सेम एसेंस ऑफ द डेथ. दे सॉ देयर ओन डेथ ऑल अराउंड देम. The water like witch oil burned green and blue and white. तो यहाँ सिमिली का प्रयोग कर रहा है कि वाटर जो था वो एक विच ऑयल, जिस तरह से विचेस होती है अपनी साध्य को पूरा करने के लिए खूब आग लगाती है, तो उस आग से अलग अलग रंग निकलता है. इन द सेम मैनर ये जो पानी जो था लग रहा था कि वो तेल के समान जल रहा था और उसका जो रंग था ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट निकल रहा था. And some in dreams assured were of the spirit that plagued the soul. और कुछ मैरिनर्स जो थे सोने की कोशिश करते थे, तो उन लोग की नींद में भी उन लोग का स्वप्न आता था कि ये लोग जो है इन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही कारण था और वो था अल्बेट्रोस. अल्बेट्रोस के मौत ने इन सबों के लिए कष्टों का कारण बन गया था. और उन्होंने स्वप्न में क्या देखा? 9 fathom deep he had followed us. From the land of mist and snow, 9 fathom. Fathom is a measurement which means 6 feet. 1 fathom is equal to 6 feet. तो 6 feet गुना 9, यानी कि 54 feet deep of the sea, the spirit of the albatross followed them. The albatross was taking revenge of his own death. He had followed them from the land of mist and snow. And every tongue through utter drought was withered at the root. And every tongue, यानी कि प्रत्येक मैरिनर्स का जो जीव था वो पूरी तरह से सूख चुका था. Was withered at the root, यानी कि जीव का जो अंतिम सोर्स होता है वहां तक पूरा गला तक ये सूख चुका था. We could not speak no more than if we had been chucked with soot. ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन लोग के मुंह में कोई कालिख डाल दिया है या कोई काजल. सूट मतलब काजल होता है. उन लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उन लोग के मुंह में स्टिकी सब्सटेंस डाल दिया है जिसके चलते उन लोग का जीभ चलाना मुश्किल हो चुका था. ये हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम लोग का गला सूख जाता है तो वी आर अनेबल टू स्पीक आउट, सो दे आर फीलिंग द सेम. आ वेल अ डे व्हाट इवन लुक्स हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग. और उस दिन से क्या गिरी हुई नजर से लोग मुझको देख रहे थे, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो. ये एंशियंट मैरिनर कह रहा है कि उसका खमियाजा मुझको वापस आने के बाद भी भोगना पड़ा. बच्चे हो या जवान या बूढ़े, सबको यही देखते थे कि उन लोगों के रिश्तेदारों के कष्टों का कारण सिर्फ और सिर्फ एंशियंट मैरिनर था. इंस्टेड ऑफ द क्रॉस द अल्बेट्रोस अबाउट माई नेक वॉज हंग. हम लोग जिस धर्म के हैं उस धर्म का मेडल अपने गले में लटका कर रहते हैं. ये मेडल हमको अच्छाई का पहचान दिलाता है, परंतु यहाँ क्या हुआ कि उसके मेडल को हटा दिया गया, उसके क्रॉस को हटा दिया जाता है सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने अपने जीवन काल में अच्छा काम नहीं किया. और उसके जगह पर वे लोग अल्बेट्रोस डाल देते हैं कि लो
जब तक एल्बेट्रोस तुम्हारे गले में रहेगा तब तक तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाते रहेगा। तो इस तरह से हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का जो थीम है ये बहुत क्लियर है, मनुष्य के द्वारा गलती होती है और गलती का सजा मिलता है। तो इसके द्वारा जो गलती हुई थी वो था एल्बेट्रोस को मारना, उसका सजा मिला, उसके गले में एल्बेट्रोस डाल दिया गया और उसका पनिशमेंट ये भी था कि जब जब ये लोगों से मिलेगा तब तब ये कहानी उन लोगों को बताना पड़ेगा। हो सकता है जितनी बताएगा इसके पापों की क्षमा मिलेगी और अंततः ये मुक्ति प्राप्त कर जाएगा। He will get salvation from the sin he had committed. That is the meaning or that is the theme of the poem. I hope you have enjoyed this poem and it will be great helpful to those who have not yet understood. Please send these videos to your friends and share. Please like, subscribe and comment. Thank you very much.